बूथ जीत तो चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, कार्यकर्ता शान से कह सकता है कि काम किया है काम करेंगे। ये बात मंदसौर के विधायक और विधानसभा के लिए भाजपा के प्रत्याशी यशपाल सिंह सिसोदिया कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार में संपर्क के दौरान कार्यकर्ताओं और मतदाताओं से कह रहे हैं। वे प्रचार के लिए आज भावगढ़ पहुंचे, वॉइस ऑफ एमपी की टीम भी वहां पहुंची थी। भावगढ़ में समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने यशपाल सिंह सिसोदिया का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। प्रचार के दौरान यशपाल सिंह सिसोदिया अपने कार्यकाल की उपलब्धियां और विकास कर्म का बखान कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में स्टेडियम, स्टॉप डैम और रोड निर्माण आदि के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार उन्हें कार्य करने के लिए कांग्रेस शासन और कोरोना की वजह से मात्र 2 वर्ष मिले। 2 साल में उन्होंने गाँव की और विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम किया है। यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपना विजन बताते हुए कहा कि गाँव में मांगदिक भवन बनाना है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना है। मेरे जेहन में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव के लिए विकास के कई बड़े सपने हैं, जिसे यथार्थ के धरातल पर स्वरूप देना है। खासकर यशपाल सिंह सिसोदिया ने 62 करोड़ रुपए की लागत से दलोदा से भावगढ़ तक की सीसी रोड के निर्माण की उपलब्धि का उल्लेख भी किया। वे चर्चा में पशुपतिनाथ कॉरिडोर के प्रस्तावित निर्माण की बात करना नहीं भूलते। अपने प्रचार अभियान में सिसोदिया ने कांग्रेस से सवाल किया कि विपक्ष का रोड मैप क्या है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में लोगों को बिजली, सड़क, पानी नहीं मिला, कांग्रेस गाजर घास है। समर्थकों ने कहा कि यशपाल सिंह सिसोदिया की जीत के लिए रत्ती भर गलतफहमी नहीं है, बार बार खिलेगा कमल खिलेगा। कांग्रेस की ओर से मुकाबले में विपिन जैन है, अभी चुनाव प्रचार का प्रारंभिक चरण है, आगे कई मोड़ आएंगे, देखना दिलचस्प होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बहुत ही पॉजिटिव माहौल है, बहुत ही, गए बार तो 25,000 वोटर से जीते, अब की बार 50,000 वोटर से जीतेंगे विधायक। विकास के मामले में कोई ये नहीं है, बहुत विकास हुआ है हमारे यहाँ पर, बहुत सारे विकास हुए हैं हमारे यहाँ। स्टाफ डैम भी बन गया है और स्टेडियम भी बन गया है, बहुत सारे विकास हुए हैं। और बीजेपी ने जो काम किया है वो कांग्रेस नहीं कर सकती है। माननीय श्री यशपाल सिंह जी विधायक, जो पहले जो भाजपा काम करती आई है उन्हीं कामों को लेकर और जनता के बीच जा रहे हैं। आगे क्या काम बाकी है, जनता क्या चाहती है, जनता और क्या मंशा है वो भी पूछते हैं। और यशपाल सिंह जी सबके दुख दर्द में खड़े हो जाते हैं। यशपाल सिंह जी बहुत विकास किए हैं और माननीय यशपाल सिंह जी हर कार्यकर्ता के साथ खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे 100 में से 90 काम, 100 में से 90 काम हो गए हैं और कुछ बच्चे हैं काम, वो भी अगले इनके कार्यकाल में हो जाएंगे। इनका हमारा एक ही नारा है पार्टी का और विधायक जी का कि विकास किया है विकास करेंगे, काम किया है बाकी काम भी हम ही करेंगे। क्या क्या काम बचे हैं यहाँ पे? कुछ RCCC बची हुई है और विधानसभा के क्षेत्र में कुछ काम बचे हुए हैं, एक मांगलिक भवन बचा हुआ है यहाँ का, और पूरी विधानसभा में ऐसा कोई गांव बाकी नहीं है कि जहाँ काम नहीं हुआ विधायक जी के कार्यकाल में। सभी जगह पक्की सड़कें बनी, सीसी रोड बने, सभी जगह पक्की सड़कें बनी, सीसी रोड बने, स्टाफ डैम बने नदियों में, उसके बाद यहाँ पर खेल स्टेडियम बनाया विधायक साहब ने, अस्पताल, नवीन अस्पताल बनाया और उसके बाद में छात्रावास बनाया, बहुत सारे काम विधायक साहब ने किए और सभी का जनता का समर्थन रहेगा। और इस बार चौका लगेगा और भारी मतों से विधायक साहब जीतेंगे। विधायक महोदय के बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका काम बोलता है कि उन्होंने बिन मांगे ही हमारे गांव में बहुत विकास करवाया है। पास में एक स्टाफ डैम दिया 6 करोड़ का, जिससे मध्य प्रदेश के किसान भी लाभान्वित होंगे, राजस्थान के भी होंगे और राजस्थान ने के किसान भी लाभान्वित होकर, राजस्थान सरकार ने उसमें 1% भी सपोर्ट नहीं किया बनाने में, और पूरा उन्होंने जनहित में ही निर्माण करवाया है किसानों के लिए। अब्दुल अली ईरानी के साथ पवन रोशन की रिपोर्ट।